हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनता है। आप इसे किसी भी बर्थडे पार्टी पे, एनिवर्सरी पे, किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, और एज ए पेस्ट्री भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी है ये, बहुत ही मॉइस्ट भी। आइए शेयर करते हैं इसकी रेसिपी, कैसे बनता है ये। सबसे पहले हम कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और बाउल लेंगे। इसमें हम लेंगे ऑयल 1/4 कप। ऑयल किसी फ्लेवर, बिना किसी फ्लेवर के होना चाहिए। आधा कप लेंगे शुगर, पिसी हुई चीनी, और 1/4 कप दही। दही हम ताजा ही लेंगे, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दही के कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लें। अब ले रहे हैं छलनी। छलनी में हम लेंगे मैदा 1 कप, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा, 3 चम्मच हमने कोको पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, और 1 TSP कॉफी। अब इन सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। छानते इसलिए हैं फ्रेंड्स, ताकि इसमें एक तो ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसमें कोई मोटा कण हो तो वो निकल जाए, बैटर में ना आए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करनी है, ताकि कोई लम्स ना रहे। इसमें डालेंगे दूध। दूध हम डालेंगे 1/2 कप। एक साथ हमें सारा दूध नहीं डाला, 1/2 कप के बाद अगर हमें जरूरत लगी तो हम डालेंगे। इसमें हम वेनिला एसेंस यूज कर रहे हैं 1 चम्मच, 1 टीस्पून सॉरी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी है, बट हमें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये, इसके लिए हम दूध और यूज करेंगे। आप भी देखना, जब आप बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दूध ऐड करें। दूध की मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी जो ये कंसिस्टेंसी बननी चाहिए, रिबन फॉर्म में बननी चाहिए। हम थोड़ा और दूध डाल रहे हैं, क्योंकि हमें बैटर थोड़ा थिक लग रहा था, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो रिबन फॉर्म में आ गई है। यहाँ फ्रेंड्स, मेरा टोटल 1/2 कप दूध यूज हुआ है। आप जब बनाए तो देखिए आपकी जो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। मैं विनेगर यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, विनेगर यूज करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जल्दी से ही इसे शिफ्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर केक टिन को ग्रीस कर रखा है, ऑयल से बटर पेपर लगाया हुआ है, और इसे शिफ्ट कर लेंगे। इसे हम अच्छे से इसे टैप करेंगे 5-6 बार, ताकि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएं। इसके एयर बबल सारे निकलने जरूरी चाहिए। अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। यहाँ हमारी कढ़ाई पूरी तरह हीट हो चुकी है। इसमें नमक मैं फ्रेंड्स पुराना ही यूज करती हूँ, जो हमेशा बेकिंग में यूज होता है, और इसे ढक देंगे। केक को आप 20 मिनट बाद चेक करें, बीच में मत खोलें। मेरे केक को बनने में 25 मिनट लगे हैं। मैं अब यहाँ टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। अगर कच्चा लगता है तो इस पे चिपका आएगा, अगर इस पे चिपका नहीं आता तो यानी हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कढ़ाई में से हटाकर कूलिंग वायर पे रख लेंगे, और इसे ठंडा होने देंगे। ऊपर की लेयर थोड़ी हार्ड हो जाती है, कोई बात नहीं, इसे थोड़े अभी हम शिफ्ट कर लेते हैं, डिमोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, केक को हमेशा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करें, एक तो हाथ जलते हैं, ऊपर से केक का टूटने का भी रहता है। अगर ठंडा होता है अच्छे से, फिर टूटता नहीं है, हमारा केक ब्रेक नहीं होता है। यहाँ बड़ा इजीली हमारा डिमोल्ड हो गया है। अब इसका बटर पेपर उतार देते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। इसका साइड का भी उतार देते हैं बटर पेपर। और अब हम अपने केक को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे, करने के लिए रखेंगे, क्योंकि जब तक अब हम इसे आइसिंग करनी है। गरम केक पे फ्रेंड्स कभी भी आइसिंग मत करें, नहीं तो हमारी जो व्हिप क्रीम होती है वो मेल्ट हो जाती है, और जो उसकी डिजाइनिंग की शेप होती है वो अच्छे से नहीं टिक पाती। यह हमारा केक देखिए बिल्कुल जालीदार बना है। और आप भी ऐसे बनाएं तो इसी तरह से कूलिंग वायर पे या किसी में रख दें। अब हम यहाँ व्हिप क्रीम रेडी करेंगे।
यहाँ पर हम हाफ कप व्हिप क्रीम ले रहे हैं और इसे बीटर की हेल्प से व्हिप करेंगे। हम इसे तब तक व्हिप बीट करेंगे जब तक इसमें स्टिफ पिक फॉर्म ना आ जाए। अब हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें 3 चम्मच चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे। चॉकलेट गनाश की वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा चॉकलेट फ्लेवर का व्हिप क्रीम बिल्कुल रेडी है। स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइसिंग, अब हम आइसिंग रेडी करेंगे। केक को हमने रोटेटिंग टेबल पे शिफ्ट करके ऊपर की हार्ड लेयर को काट दिया और अब बीच में से इसको 2 लेयर में कट कर दिया है। थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे ताकि हमारा केक फिसले ना, और रख देंगे इसे। और इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप लगाया है। शुगर सिरप के लिए 2 चम्मच चीनी और 3 चम्मच पानी लिए हैं। अब इस पर हम क्रीम लगाएंगे और पैलेट नाइफ से इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इस पर हम ये चोको चिप्स लगा रहे हैं ताकि चॉकलेट क्रंची इसमें फ्लेवर आए, टेस्ट आए, अच्छा लगता है। अब हम ऊपर का टॉप कवर करेंगे और इसी तरह से सेम प्रोसेस शुगर सिरप लगाएंगे और अब क्रीम से इसे भी अच्छे से स्टफ कर देंगे। बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे क्रीम को, साइड्स पे भी पैलेट नाइफ से की हेल्प से आराम से लग जाता है। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो बटर नाइफ भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए स्क्रैपर यूज़ करेंगे। इसे हमें सही से शेप देनी है, और थोड़ी देर के लिए अगर आपसे अच्छी शेप नहीं बन पा रही है तो क्रीम लगाकर स्प्रेड कर इसे फ्रिज में रख दें। मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा और ये देखिए कितनी अच्छी से ये जम गया है। अब इस पर मैं चॉकलेट गनाश लगा रही हूँ जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे, पैलेट नाइफ से इसे लगा देंगे और थोड़ा सा स्पून से हम और डालेंगे और ड्रिपिंग टेक्सचर देंगे इस पे। बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे टॉप लेयर को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। पाइपिंग बैग में नोजल लगाकर मैं इसे पे यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। आप किसी भी शेप में इसे डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सिल्वर स्प्रिंकल्स बॉल्स डाली हैं, इससे दिखने में और भी सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे जब भी ट्राई करें बताइए कैसा बना, मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये खाने में तो बहुत टेस्टी, दिखने में बहुत टेस्टी है, और बनाना तो इजी है ही, आपने देखा ही है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। और कोई डिफ़िकल्टीज अगर आपको लगती हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसके लिए और बेटर ऑप्शन दे सकूं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बटर नाइफ से इसे कट किया है जो कि बहुत इजीली कट हुआ है। इसे हम एज ए पेस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये कटना बढ़िया से कटा है, खाने में तो बहुत टेस्टी है, खा के भी देखते हैं। चलो देखिए यहाँ हमारा ये चोको चिप्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसका खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, जैसे हम बिस्किट्स खाते हैं ना उसमें चॉकलेट का क्रंच आता है, वैसे ही केक में भी ऐसे ही क्रंच आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।